बेसिज। चलिए अब देखते हैं हम लोग बेसिज। द सॉल्यूशंस ऑफ सबस्टांस लाइक कॉस्टिक सोडा, लाइम, चूना एंड वॉशिंग सोडा आर बाइटर इन टेस्ट। कड़वा स्वाद होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं क्या, बाइटर इन टेस्ट, तीखा लगेगा, है ना, कड़वा स्वाद किसका होता है, बेसिज का, और एसिड का सावर टेस्ट होता है। एंड सोपी टू टच, और जब छुएंगे तो वो सोपी होगा, सोपी मतलब क्या, चिकनापन रहेगा साबुन की तरह, सोपी टू टच बेसिज, स्लिपरी टू टच, जैसे छुएगा तो वो आपको हाथ में आप में फिसलन देगा, है ना, स्लिपरी देगा, दे आर कॉल्ड बेसिज, ये बेसिज होते हैं। ये एक तरीका है बेसिज को पकड़ने का, पहला तो बाइटर इन टेस्ट और दूसरा सोपी टू टच। बेसिज आर दोज केमिकल सबस्टांसेज व्हिच हैव अ बाइटर टेस्ट, बेसिज वो सबस्टांस है जिनका टेस्ट कैसा होता है, बाइटर होता है। ऑल द बेसिज चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, जितने भी बेस है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेसिज, तो हम तो जानते ही हैं सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा, लिटमस टेस्ट। बेसिज आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स, बेसिज जो है वो एसिड्स के केमिकली अपोजिट होते हैं। व्हेन बेसिज आर एडेड टू एसिड्स दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स, हम ये भी जानते हैं कि बेसिज और एसिड्स जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं क्या, सॉल्ट्स प्लस वाटर, और दैट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ए बेस इज ए केमिकल सबस्टांस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, बेस वह केमिकल सबस्टांस है जो कि एसिड्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिज, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं और जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सभी के सभी क्या है, बेसिज है। तो ये याद रखेंगे, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड Na2O इज ए मेटल ऑक्साइड, सो इट इज ए बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड, सो इट इज ए बेस। आपका सोडियम ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड, इसलिए ये क्या है, बेस है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, इसलिए यह भी बेस है। उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम, है ना, यहाँ कैल्शियम क्या है, मेटल है, और कैल्शियम मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, हमारे को बेस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा, जिसे स्लैक लाइम कहते हैं। CaOH का होल टू आर बेसिज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इज ऑल्सो अ बेस, दाउ इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड, या मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, फिर भी हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी बेसिज, और मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी जो होंगे वह भी बेस होंगे, क्लियर, बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स, क्योंकि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, क्लियर। दस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 आर बेसेज, ये सब क्या है, बेसेज है, यानी मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ऑल दीज आर बेसेज बिकॉज हेयर मेटल्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। वाटर सोल्यूबल बेसेज, अब हम लोग देखते हैं वाटर सोल्यूबल बेसेज। अल्कलीज मोस्ट ऑफ द बेसेज डोंट डिजॉल्व इन वाटर बट सम बेसेज डिजॉल्व इन वाटर। अल्कलीज जो होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द जो बेसिज होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, डोंट डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन कुछ बेसिज जो है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। दोज बेसिज विच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन हैव ए स्पेशल नेम, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। वे बेसिज जो कि वाटर में आपको डिजॉल्व कर जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, यानी कि उन बेसेज को जब हम लोग, कुछ बेसेज ऐसे हैं जिसे कि हम लोग जब वाटर में डालेंगे तो वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और वो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अल्कलीज कहते हैं।
सम ऑफ द कॉमन वाटर सोल्यूबल बेसिज और अल्कलीज आर, कुछ कॉमन वाटर सोल्यूबल बेसिज है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। ये आपके कुछ कॉमन वाटर सोल्यूबल बेसिज है या कह सकते हैं अल्कलीज है जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। द सोल्यूबल बेसिज और अल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्यूबल बेसिज, और जो सोल्यूबल बेसिज होते हैं अल्कलीज जो होते हैं ये हमारे को इनसॉल्यूबल बेस की तुलना में हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन है, वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन, क्योंकि अधिकांश जो रिएक्शंस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है, वाटर सॉल्यूशन में ही होता है, इसलिए जो बेस वाटर सॉल्यूबल है वो बेस हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। और कौन कौन से हैं वाटर सॉल्यूबल बेसिस, याद हो गया सबको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विद केमिकल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। व्हाट डू ऑल द बेसिज हैव इन कॉमन, सभी बेस में क्या कॉमन होता है। ए बेस इज ए सबस्टांस विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयंस इन सॉल्यूशन। बेस वह सबस्टांस है जिसे कि वाटर में जब डिजॉल्व कराते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन। क्लियर, यानी यहां कॉमन क्या है कि बेस को जब भी वाटर में डिजॉल्व कराओ तो देगा OH-, एसिड्स को वाटर में डिजॉल्व करेगा तो देगा क्या, H+ आयन। सो सिंपल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है क्योंकि इसे जब वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो ये हमारे को प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस अलोंग विथ सोडियम आयंस, सोडियम आयन के साथ। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए NaOH, यह सॉलिड है, सॉलिड रूप में लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसे हम लोग क्या किए, वाटर में डिजॉल्व कराते हैं। क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे लिए, बेस है या कहिए अल्कली है क्योंकि वाटर डिजॉल्व है, और ये क्या करता है वाटर में देता है आपको Na+ एक्वा सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH- एक्वस। क्लियर, हाइड्रोक्साइड आयंस और सोडियम आयंस। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ठीक इसी तरह से क्या है, बेस है विच डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि वाटर में जब डिजॉल्व कराते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे देखिए KOH ले लिए सॉलिड फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसे वाटर में डाल दिए, ठीक है, KOH सॉलिड फॉर्म में आया, उसे वाटर में जैसे ही डालते हैं तो वहां हमारे को निकलता है K+ एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH- हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है। ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिज और अल्कलीज इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये कॉमन प्रॉपर्टी है बेसिज या अल्कलीज का कि सभी बेसिज या अल्कलीज जो है वो वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो देते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल 2, CaOH का होल 2 एंड NH4OH, ऑल आर बेसिज और अल्कलीज बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, और जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइएगा, जैसे जैसे आप वाटर ऐड कीजिएगा आप किसी भी बेस में, तो वहां क्या होगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH- है जो पर यूनिट वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि वहां पर NaOH KOH की मात्रा उतना ही है और वाटर की मात्रा बढ़ रही है तो पर यूनिट वॉल्यूम जो आपका OH- वो क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। द
दिस गिव्स अस ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द बेस और अल्कलीज, और इस प्रकार से हम लोग किसी भी बेस का या अल्कलीज का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे, उसमें वाटर डिजॉल्व करा के। बेसिज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक एसिड्स की तरह बेस भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिज एंड सेकेंड है वीक बेसिज। एसिड्स की तरह बेसिज भी दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिज एंड वीक बेसिज। स्ट्रॉन्ग बेसिज, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिज। ए बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। यदि कोई बेस आपको कंप्लीट रूप से क्या करता है, आयोनाइज हो जाता है वाटर में और आपको वहां प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, कितना लार्ज अमाउंट में, अत्यधिक मात्रा में यदि वह OH माइनस प्रोड्यूस करता है वाटर में आयोनाइज कर, तो वैसे बेस को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली। और बेस का ही दूसरा नाम होता है क्या, अल्कली, नहीं तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिज या स्ट्रॉन्ग अल्कली। आपके स्ट्रॉन्ग बेसिज हैं NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दिस इज बिकॉज दे कंप्लीटली आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, पूर्ण रूप से आयोनाइज हो जाते हैं जब इन्हें वाटर में डिजॉल्व किया जाता है और ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। वीक बेसिज, ए बेस विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इज कॉल्ड अ वीक बेस और अ वीक अल्कली। और वह बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं वाटर में, कंप्लीटली नहीं, कितना होते हैं, पार्शियली माने आंशिक रूप से आयोनाइज होते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में, तो वैसे बेस को हम लोग कहते हैं क्या, इज कॉल्ड अ वीक बेस या वीक अल्कली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू एंड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू आर वीक बेसिज या वीक अल्कलीज। ये सब क्या है, वीक बेसिज है नहीं तो वीक अल्कलीज के एग्जांपल हैं। वीक बेसिज का ही दूसरा नाम क्या है, वीक अल्कलीज। दिस इज बिकॉज दे आयोनाइज ओनली पार्शियली ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन। ये वीक बेस इसलिए है क्योंकि ये पार्शियली डिजॉल्व होते हैं वाटर में और आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं।